अस्सलाम वालेकुम। लेट्स रिवाइज कि हम लोगों ने पहले प्रीवियस क्लासेस में क्या क्या कवर कर चुके थे इन चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले द वर्ड साइंस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंशिया व्हिच मींस नॉलेज, यानी कि साइंस जो है वो एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। इट्स नॉट ग्रीक, इट्स लैटिन। साइंशिया जिसका मतलब है इल्म, नॉलेज, ठीक है। दिस नॉलेज इज बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि साइंस के अंदर जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी इल्म हमारे पास हासिल किया हुआ है, वो हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोगों ने हासिल किया है। हम लोग बगैर किसी प्रूफ के कोई बात साइंस के अंदर नहीं कर सकते। अब साइंस के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, बट द ब्रांच दैट विल बी स्टडिंग इज केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम लोग कंपोजिशन यानी बनावट किस चीज़ से बनी हुई है, स्ट्रक्चर यानी कि उसका शेप कैसा है, प्रॉपर्टीज उनके अंदर कौन कौन सी खसूसियात हैं, एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर यानी कि वो दूसरे चीज़ों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करता है, किस तरह से उसके साथ रिएक्शन शो करता है। ये तमाम चीज़ें हम लोग केमिस्ट्री के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं। क्या चीज़? कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर। इन चारों चीज़ों को बेसिकली हम मैटर को ही स्टडी कर रहे होते हैं, लेकिन मैटर के अंदर हम लोग उसकी कंपोजिशन, बनावट, उसका शेप, स्ट्रक्चर, उसकी खसूसियात, प्रॉपर्टीज, उसका इंटरेक्शन यानी कि उसका ताल्लुकात जो है डिफरेंट मैटर के साथ वो क्या है, उन सारी चीज़ों को हम मैटर के अंदर केमिस्ट्री के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं। उसके बाद वी कवर्ड अ बिट ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले एरिस्टोटल प्रपोज द आइडिया ऑफ सब्सटेंस एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर एंड फॉर्म एंड डिस्क्राइब थ्योरी ऑफ फोर एलिमेंट्स, फायर, वाटर, अर्थ एंड एयर। अब इन्होंने सबसे पहले एक कंसेप्ट दिया था कि तमाम चीज़ें मैटर की बनी हुई हैं जो कि चार एलिमेंट से बनी हुई हैं। यानी पुराने ज़माने में बिलीफ किया जाता था एरिस्टोटल की वजह से कि दुनिया में सिर्फ चार एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से? फायर, वाटर, अर्थ और एयर। यानी इन चारों एलिमेंट्स को ही कंबाइन करके हम लोग कोई न्यू चीज़ तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं प्लेटो। प्लेटो प्रपोज टर्म एलिमेंट्स एज कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बॉडीज फॉर पर्टिकुलर शेप। यानी कि एरिस्टोटल ने क्या किया, मैटर को इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, और फिर प्लेटो ने एलिमेंट्स वर्ड जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने बताया कि एलिमेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनिक यानी जानदार और इनऑर्गेनिक यानी बेजान चीज़ों से कंबाइन करके तैयार किया जाता है। एंड देन वी हैव डेमोक्रेटस। डेमोक्रेटस ने एटम का आइडिया दिया। यानी सबसे पहले एरिस्टोटल ने कहा कि तमाम चीज़ें मैटर की बनी हुई हैं, फिर उसको और डिवाइड करके और सिंप्लीफाई किया प्लेटो ने, कहा कि नहीं, तमाम चीज़ें एलिमेंट्स से बनी हुई हैं। फिर डेमोक्रेटस ने कहा कि नहीं, तमाम चीज़ें एटम की बनी हुई हैं जिसको और डिवाइड नहीं कर, जिसको और तोड़ नहीं सकते। यानी कि उन्होंने कहा कि सबसे जो छोटी चीज़ है दुनिया में दैट इज एटम, तो इसलिए एटम वर्ड रखा, विच ग्रीक में अगर हम उसका वर्ड देखें वो दैट इज एटोमस, मतलब अनकटेबल या इनडिविजिबल, जिसको और काटा ना जा सकते हो उसको हम एटम कहते हैं। उसके बाद आ गए मुसलमान साइंसदान जाबर बिन हैया। उन्होंने क्या किया, इन्वेंटेड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स फॉर नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाइट लीड। यानी कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उन्होंने नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाइट लीड को तैयार किया, और उन्होंने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द ओर्स यानी मेटल्स को साफ करने का तरीकाकार फाइंड किया, डाइंग क्लोज यानी कि कपड़े में रंग डालने का तरीकाकार भी उन्होंने डिस्कवर किया। अब मुसलमान साइंसदान जो है तकरीबन 1000 ईयर्स तक उन्होंने साइंस के, केमिस्ट्री स्पेशली केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा उन्होंने वर्क किया था, लेकिन उनका मकसद बेसिकली ये था कि वो लोग अल्केमी करना चाह रहे थे। अल्केमी में क्या होता है कि वो एक आम से मेटल को गोल्ड में, सिल्वर में, प्लेटिनम में यानी कोई कीमती मेटल में कन्वर्ट करना चाह रहे थे। इस पूरे स्टडी को अल्केमी कहते हैं, और तकरीबन 1000 साल मुसलमान साइंसदान ने सिर्फ इसी चीज़ को प्रूव करने में लगा दिया। ये चीज़ प्रूव तो हो नहीं सकी, इसके बदले आ गया कि जो चीज़ जो है एलिमेंट जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म है, वो किसी और फॉर्म में तब्दील नहीं हो सकता। ये चीज़ प्रूव हो गई, लेकिन इस चीज़ को प्रूव करने के चक्कर में मुसलमान साइंसदानों ने बहुत सारे तरक्कियां की, खासकर केमिस्ट्री के अंदर। जिस तरह से उन्होंने असल में उसकी नीयत क्या थी कि उनको जो है गोल्ड बनाना था, लेकिन गोल्ड बनाने के चक्कर में उन्होंने ऐसा केमिकल तैयार कर लिया जिसके अंदर गोल्ड डिसॉल्व हो सकता है। यानी पानी के अंदर आप सोना डाल देंगे वो डिसॉल्व नहीं होगा, लेकिन न्यूट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर मिला लेंगे एक रेशियो के साथ तो उसके अंदर गोल्ड डालेंगे, गोल्ड डिसॉल्व हो जाता है।
यानी कि अलकेमी को प्रूव करने के लिए जितने भी मुसलमान साइंसदान, उन्होंने 1000 ईयर्स तक ऑलमोस्ट उन्होंने जो स्टडी किया था उसके ऐसे डिफरेंट हमें केमिस्ट्री के अंदर तब्दीलियाँ, उसके अंदर डिस्कवरीज, इन्वेंशन जो मिली हैं वो अलकेमी को प्रूव करने की वजह से मिली हैं। सही है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो मुस्लिम साइंटिस्ट है दैट इज अल राजी। अल राजी प्रिपेयर्ड इथाइल अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। इथाइल अल्कोहल जो हम लोग जो है एंटीसेप्टिक, यानी कि जैसे आप लोग जख्म लग जाता है, जैसे कि डिटॉल होता है, डिटॉल के अंदर भी इथाइल अल्कोहल मौजूद होता है जो बेसिकली जख्म साफ करने के लिए होता है। ठीक है, तो इन्होंने ये इथाइल अल्कोहल तैयार किया फॉर फर्मेंटेशन प्रोसेस, यानी उन्होंने जो है फर्मेंटेशन की प्रोसेस, यानी इसमें क्या होता है, हम लोग जो है फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को जो है सड़ाते हैं जानबूझ के यूजिंग बैक्टीरिया एंड फंजाई, और फिर उसमें से हम डिफरेंट केमिकल्स तैयार करते हैं। ओके, सो उन केमिकल्स के थ्रू हम लोगों ने जो अल राजी हैं उन्होंने इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस किया, और ये बायोलॉजिकल पर्पस यानी ज़्यादा मेडिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, उसके बाद अल बैरूनी ने क्या किया, उन्होंने डिटरमाइन डिफरेंट डेंसिटीज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, यानी कि उन्होंने जो है डिफरेंट जो सब मैटर्स हैं उनके डेंसिटीज को कैलकुलेट किया, जो इस ज़माने में भी एक्यूरेट होता है, यानी कि अभी भी अगर हम उस चीज़ को वजन करेंगे, उसकी डेंसिटी निकालेंगे, तो जो अल बैरूनी ने हमें जो डेंसिटी दिया था एक किताब के शक्ल में, वो तमाम डेंसिटीज आपस में मैच कर रही होंगी, यानी इतनी उन्होंने एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेशंस की हुई थी। उसके बाद आते हैं हमारे पास इब्ने सीना। इब्ने सीना ने मेडिसिन में उन्होंने जो है बहुत सारी आपको कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने फिलोसफी में और एस्ट्रोनॉमी में। ठीक है, तो इसमें इन तीनों में उनकी कंट्रीब्यूशंस मौजूद हैं। उसके बाद आता है रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल जो है इट्स ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ठीक है, इस वक्त जो केमिस्ट्री में जो ज़्यादा तब्दीलियाँ आई हैं वो इसकी वजह से आई हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि केमिस्ट्री को एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन के थ्रू करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि आपको जो है एविडेंस ढूंढना होता है, प्रूफ ढूंढना होता है कि ये क्राइम किसने किया था। वैसे ही केमिस्ट्री के अंदर आप कोई चीज़ देना चाह रहे हैं, कोई चीज़ प्रूफ करना चाह रहे हैं, तो आपको एविडेंस शो करना है। एविडेंस कैसे हो सकता है, या तो आप कोई जो है फिजिकल प्रूफ लेके आए, यानी कि आप दिखाएं कोई एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि ये चीज़ हो रही है, या फिर आप मैथमेटिकल प्रूफ दें, यानी मैथमेटिकली अगर वो चीज़ प्रूव हो रही है तो आप जो है केमिस्ट्री के अंदर या साइंस के अंदर उसको अप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने गैसियस लॉ दिए, जो आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ के नाम से। ठीक है, ये आप लोग लॉ जो है आप फिजिक्स के अंदर आप लोग स्टडी करेंगे, जो रॉबर्ट बॉयल ने दिया था। सो तो यानी ओल्ड केमिस्ट्री, एंशियंट केमिस्ट्री के जो फादर हैं दैट इज जाबर बिन हैयान। ओके, इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है वो बुनियाद डाली केमिस्ट्री की, एंड देन इन द मॉडर्न केमिस्ट्री वी हैव रॉबर्ट बॉयल जो मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर हैं। नेक्स्ट इन वी हैव जे ब्लैक, जोसेफ ब्लैक। उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड पे स्टडी किया एंड ही वाज स्कॉटिश, यानी स्कॉटलैंड से ताल्लुक रखते हैं। आफ्टर दैट वी हैव जे प्रिस्ली। जे प्रिस्ली ने क्या डिस्कवर किया, ऑक्सीजन को डिस्कवर किया, यानी ऑक्सीजन मौजूद था पहले से ही। उन्होंने बताया कि हमारे एयर के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। उन्होंने सल्फर डाइऑक्साइड को डिस्कवर किया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड को डिस्कवर किया। डिस्कवर किया यानी कि उन्होंने बताया कि इसकी मौजूदगी प्रेजेंट है। एंड देन वी हैव शील। शील डिस्कवर्ड क्लोरीन। उन्होंने क्लोरीन को डिस्कवर किया। एंड देन कैवेंडिश डिस्कवर्ड हाइड्रोजन। उन्होंने हाइड्रोजन को डिस्कवर किया। उन्होंने कहा कि क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो वाटर बनाने में बहुत काम आता है, तो इसलिए इसका नाम हाइड्रोजन रख दिया। हाइड्रो मीन्स वाटर, जेन मीन्स प्रोड्यूसर, तो इस लिहाज से उन्होंने हाइड्रोजन नाम रख दिया इसका। एंड देन वी हैव लव्यूजर। लव्यूजर ने कहा कि ऑक्सीजन जो है एयर का 1/5 हिस्सा है, यानी कि ऑक्सीजन डिस्कवर तो जे प्रिस्टली ने किया था कि ऑक्सीजन मौजूद है, एक ऐसा एलिमेंट है एयर के अंदर जो हमें सांस लेने में मदद करता है, दैट इज ऑक्सीजन। बट लव्यूजर ने कहा कि ऑक्सीजन की मिकदार अमाउंट एयर में कितनी है, 1/5, ये लव्यूजर ने बताया हमें। फिर उसके बाद जॉन डेल्टन आते हैं। जॉन डेल्टन ने हमें एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर दिया। उन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया कि एटम किस तरीके से बना हुआ है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, यानी पहली जो स्टेप, यानी पहले जो ईंट डाली गई थी एटॉमिक थ्योरी की, वो जॉन डेल्टन ने हमें दी थी। एंड देन वी हैव गेल ल्यूसेक। डिस्कवर दैट वाटर इज कंपोज ऑफ टू पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन पार्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम, यानी उन्होंने वाटर का फॉर्मूला बताया, दैट वाटर का फॉर्मूला है H2O। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिस्कवर किया सेवरल केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड अदर गैसेस, यानी उन्होंने गैसेस के केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज बताए। उन्होंने पहले ये बताया कि वाटर बना हुआ है H2O से, यानी दो हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन है।
और एयर के अंदर कौन कौन से गैसेस मौजूद हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई उन्होंने। केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि वो किस चीज के साथ रिएक्ट करता है, अगर रिएक्ट करता है तो क्या वो धमाके के साथ रिएक्ट करता है या स्लो रिएक्ट करता है, वो चीजें बताते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम ये बताते हैं कि उसकी शक्ल कैसी है, उसका कलर कैसा है, उसकी स्मेल कैसी है, उसका टेस्ट कैसा है, ये तमाम चीजें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज में बताते हैं। तो ये सारी चीजें गेल ल्यूसेक ने हमें बताई थी, दो चीजें। एक, वाटर इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, सबसे पहले ये बताया। सेकंड उन्होंने क्या बताया, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, एयर के अंदर जितने भी गैसेस हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज उन्होंने बताई। एंड देन वी हैव अवोगाड्रो, अवोगाड्रो ने अवोगाड्रोस लॉ दिया कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस अंडर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेंट्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आम जबान में कि अगर आप कोई भी इक्वल वॉल्यूम लेंगे गैसेस के और उसका टेम्परेचर प्रेशर को सेम रखेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे। ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है, यानी कि आप लोगों ने अवोगाड्रोस लॉ में देखा था कि उन्होंने एक कॉन्स्टेंट नंबर दिया हुआ था, दैट इज 6.02 × 10^22। उन्होंने ये एक फिक्स नंबर दे दिया कि अगर आप कोई भी एक वॉल्यूम ऑफ गैस लेंगे, आप फिक्स वॉल्यूम ऑफ गैस लेंगे उसका टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम रखेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल स्टे सेम। तो यानी उन्होंने जो है बेसिकली उन्होंने जो लॉ दिया था ये वाला, उन्होंने जो है मैथमेटिकल प्रूफ देकर दिया था, तो इसलिए उन्होंने कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दिया था, बट स्टिल बिकॉज मैथमेटिकली इट्स ट्रू, इसलिए उसका जो लॉ था उसको लॉ कंसिडर करते हैं हम लोग। एंड देन वी हैव जैक्यूस चार्ल्स, उन्होंने भी गैस लॉ दिया था जो आप अगेन फिजिक्स में पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ के नाम से, कि गैस जो है किस तरह का बिहेवियर रखता है, उन्होंने उस लिहाज से टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम की बुनियाद पर उन्होंने एक लॉ दिया हुआ था चार्ल्स लॉ, जो आप लोग फिजिक्स के अंदर कवर करेंगे। आफ्टर दैट वी हैव पेटिट, व्हाट डिड पेटिट डू, ही डिटरमाइन द क्लासिकल एक्सप्रेशन फॉर द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सर्टेन केमिकल एलिमेंट्स, यानी कि उन्होंने जो है डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स के बता दिया कि उनके मोलर स्पेसिफिक हीट कितनी है, यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट में बेसिकली ये होता है, उसका मेन आइडिया ये है कि किसी भी चीज़ को गर्म होने में, लाइक बॉयल होने में या मेल्ट होने में या हीटअप होने में कितना टाइम लगता है और कितनी हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है, उस तमाम कैलकुलेशन को जो है उन्होंने डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स के उन्होंने कैलकुलेट करके बताया हमें। एंड देन वी हैव जे जे बर्जीलियस ने ही इंट्रोड्यूस सिम्बल्स, लाइक उन्होंने पूरा तरीका बताया कि सिम्बल्स को किस बुनियाद पर, उन्होंने रूल्स बताए, लाइक हम लोग लैटिन लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, ग्रीक लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, जर्मन लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, हम लोग वन लेटर यूज़ करेंगे तो कैपिटल होगा, टू लेटर्स यूज़ करेंगे तो फर्स्ट वाला कैपिटल होगा, सेकंड वाला स्मॉल होगा, यानी उन्होंने पूरा जो केमिकल्स के जो सिंबल्स हैं CaFe जितने भी सिंबल्स हैं उनके उन्होंने रूल्स जो है उन्होंने उसकी फाउंडेशन उन्होंने तैयार किया। उसके बाद फॉर्मूला, यानी फॉर्मूला किस तरीके से लिखेंगे, जैसे कि H2O है तो 2 छोटा सा हम लोग नीचे में राइट में लिखेंगे, ठीक है। तो यानी उन्होंने ये पूरा तरीकेकार जो है उन्होंने बर्जीलियस ने इन्वेंट किया, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। केमिकल इक्वेशन का तरीका कैसा होगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या शो करेगा, राइट हैंड साइड क्या शो करेगा, दोनों को सेपरेट करने के लिए हम लोग एरो यूज़ करेंगे, उसको अगर वो एंडोथर्मिक है तो उसको हम लोग हीट कहाँ पे शो करेंगे, एक्सोथर्मिक है तो हीट कहाँ पे शो करना है हमें। तो ये पूरा का पूरा तरीकाकार, यानी सिंबल से लेकर इक्वेशंस तक पूरा स्टेप पर जो उन्होंने रूल्स जो उन्होंने बताए हैं सारा का सारा जे जे बर्जीलियस ने हमें दिया। एंड देन वी हैव मेंडेलीव, मेंडेलीव में हमने पहले भी बताया था कि यहाँ पे मेंडेलीव की स्पेलिंग गलत है, ये होता है MENDELEEV, ठीक है। तो मेंडेलीव की स्पेलिंग, इसमें यहाँ पे करेक्शंस की जरूरत होगी। एंड देन उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिस्कवर्ड पीरियडिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, यानी मेंडेलीव से पहले भी लोगों ने काफी सारे तरीका बताए थे कि एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज किया जा सकता है, तो उन्होंने भी मेंडेलीव ने उसी चीज को स्टडी करके उन्होंने और ज्यादा डिटेल में और ज्यादा सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने अरेंज करके दिया। यानी कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने ग्राफ के थ्रू अरेंज किया, उन्होंने कुछ साइंटिस्ट ने म्यूजिक का इस्तेमाल किया अरेंज करने के लिए, तो मेंडेलीव ने तमाम नॉलेज को, तमाम चीजों को जो उन्होंने डिस्कवर किया था उसी की बुनियाद में उन्होंने पूरा पीरियोडिक टेबल हमें अरेंज करके दिया। आफ्टर दैट वी हैव आर्हेनियस, आर्हेनियस प्रपोज एसिड बेस थ्योरी, यानी उन्होंने एसिड और बेस की उन्होंने जो है सबसे पहले बुनियाद डाली कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, एंड आयंस डिसएसोसिएशन, यानी कि जो एलिमेंट्स जब टूट जाते हैं तो वो आयंस जो तैयार होते हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस और उनकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी, ये सारी चीज़ें आर्हेनियस ने इंट्रोड्यूस किया। आफ्टर दैट वी हैव माइकल फैराडे,
माइकल फैराडे ने क्या किया, उन्होंने स्टडी किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी उन्होंने ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी से क्या क्या चीजें हम लोग इन्वेंट कर सकते हैं, क्या चीजें कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी पर उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया। और फिजिक्स के अंदर इनकी अहमियत जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आती है, केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग उसको स्टडी कर रहे होते हैं, जो आप लोगों ने लास्ट ईयर इनके टू लॉज पढ़े हुए थे, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फैराडे ने ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी पे फोकस किया कि इलेक्ट्रिसिटी के क्या क्या कारनामे हैं। आफ्टर दैट वी हैव जे जे थॉम्सन। जे जे थॉम्सन ने डिस्कवर किया कि इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, यानी कि उन्होंने ये पता किया कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, जो बिजली होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी की वजह से हो रही है। यानी जो फर्स्ट एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल है, सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ था सब एटॉमिक प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन में से सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ था वो इलेक्ट्रॉन हुआ था, और इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाला जे जे थॉम्सन है। आफ्टर दैट वी हैव नील बोर। नील बोर प्रपोज द थ्योरी फॉर हाइड्रोजन एटम बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी। यानी उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन एटम को स्टडी किया क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं क्वांटम, ठीक है। तो वो उनको स्टडी, यानी उन्होंने जो है हीट की क्वांटम बेसिकली जो है एनर्जी को यूज करते हुए उन्होंने हाइड्रोजन एटम को स्टडी किया, और फिर हमें एटम्स का बताया कि एटम्स किस तरह से बने हुए। यानी आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में देखा है कि हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर फिट करते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स में डालते हैं, कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिट होंगे, ये सारा का सारा नील बोर ने क्वांटम थ्योरी को यूज करते हुए हमें एक्सप्लेन किया। नील बोर का टीचर रदरफोर्ड, उन्होंने क्या दिया हमें, पोस्टुलेटेड द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एटम का स्ट्रक्चर बताया कि न्यूक्लियर स्ट्रक्चर कैसे, यानी न्यूक्लियस के अंदर क्या, यानी कि उन्होंने बता दिया कि न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ें मौजूद है और न्यूक्लियस के बाहर क्या चीज़ें मौजूद है। उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट उन्होंने बता दिया था हमें कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूम रहा होता है। और फिर उन्होंने उसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा इवॉल्व जब किया तो उसमें उनको अल्फा बीटा रेज का पता चला, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेज का पता चला। और फिर उसी थ्योरी को उन्होंने, उसी एक्सपेरिमेंट को यूज करते हुए उन्होंने बताया लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, यानी कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो लगातार एनर्जी छोड़ रहे होते हैं, उनको रेडियो एक्टिव कह रहे होते हैं। तो एक वक्त ऐसा आता है कि उनकी जो एनर्जी होती है वो पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। तो वो कितना वक्त लगता है, कितने कौन से एलिमेंट को कितना वक्त लगेगा खत्म होने में उसकी एनर्जी को, उसको रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं। ये भी अगेन फिजिक्स का टॉपिक है कि मोस्ट प्रोबेबली आप लोग नेक्स्ट ईयर कवर करेंगे, ठीक है। तो वो पूरा लॉ, उसकी पूरी फॉर्मूला, उसकी पूरी कैलकुलेशंस किस तरीके की जाएगी, वो रदरफोर्ड ने हम लोगों को डिस्कवर करके प्रपोज करके बताया था। आफ्टर दैट वी हैव श्रोडिंगर। श्रोडिंगर ने क्या किया, ही प्रपोज द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, यानी कि जो हमें एटम्स मौजूद हैं, हमें जिसका मॉडल जो मौजूद है, जो हमें पता है किस तरह से बनाते हैं, उसको और उसने इम्प्रूव किया। तो उनकी जो इम्प्रूव वाले मॉडल को हम लोग कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जो हायर क्लासेस में आता है। आफ्टर दैट वी हैव डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो लाइट होती है, उसकी दो तरीके से वो मूव करता है, या तो वो जो है वेव के फॉर्म में मूव कर रहा होता है, या फिर वो एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में मूव कर रहा होता है, जो अगेन आप लोग फिजिक्स के अंदर कवर करेंगे। यानी बेसिकली डी ब्रोगली ने कहा कि जो लाइट है वो दो फॉर्म में मूव कर रही होती है, आइदर वो वेव के फॉर्म में मूव करेगी या फिर एनर्जी पैकेट के फॉर्म में। आफ्टर दैट वी हैव स्टैंड्रा नेथ बोस, जिन्होंने फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इन्वेंट किया था, प्रपोज किया था। आफ्टर दैट वी हैव अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट के अगेन हमने बता देते हैं, अल्बर्ट में ए होता है, और तो उनकी ये इन्होंने ये टाइपिंग मिस्टेक हुई थी, तो आप करेक्शन कर लीजिएगा अपने पास। इन्होंने जो है स्टैंड्रा नेथ बोस के साथ मिलकर इन्होंने फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर डिस्कवर किया था, प्रपोज किया था। एंड देन फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर हेनरिक कॉर्नेल एंड कार्ल रीमन ने तैयार किया था, दैट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। यानी वी हैव टोटल फाइव स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। तो वी हैव फाइव स्टेट ऑफ मैटर, जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर वो स्टैंड्रा नेथ बोस ने और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मिलकर बनाया था, प्रपोज किया था, तैयार किया था। एंड देन जो फिफ्थ है वो हेनरिक कॉर्नेल एंड कार्ल रीमन ने मिलकर तैयार किया था। आफ्टर द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री वी हैव डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की हमने डेफिनेशन पहले भी आपको बताई थी, इट्स ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद प्रॉपर्टीज कंपोजिशन स्ट्रक्चर एंड चेंजेस इन्वॉल्व, यानी इसके इंटरेक्शन को स्टडी करता है मैटर के अंदर। अब केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है डेली लाइफ में, केमिस्ट्री कुकिंग में इस्तेमाल होता है, ईटिंग में, डाइजेशन ऑफ फूड में, ठीक है। यानी कि खाने को किस तरीके से, कैसे पता चलेगा कि कोई वेजिटेबल या कोई फ्रूट जो है सही से पका हुआ है, कोई गोश्त जो है सही से पका हुआ है, वो सारे हम लोग केमिस्ट्री के थ्रू हमें आइडिया होता है उस चीज से।
उसके अलावा कंस्ट्रक्शन, क्लीनिंग एंड वॉशिंग ऑफ आर होम्स. कंस्ट्रक्शन में सीमेंट केमिस्ट्री की वजह से हमें मिला है. क्लीनिंग के लिए हमें फिनाइल हमारा जो है वो केमिस्ट्री की वजह से मिला है. हार्पिक हमें केमिस्ट्री की वजह से मिला है. साबुन हमें केमिस्ट्री की वजह से मिला है. वॉशिंग के लिए भी आपको जो सारी चीजें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दैट इज ऑल रोल ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री की वजह से हमें मिली है. फिर प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, जिसकी वजह से हमें अच्छे अच्छे प्लांट्स मिलते हैं जिनकी पैदावार फास्ट होती है और उनकी जो पैदावार होती है अच्छी होती है. ग्लास, शीशा. इसके अलावा हमारे पास प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर. प्लास्टिक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, प्लास्टिक जो है इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक्स हैं, लाइक शॉपर बैग हो गया आपके पास, या आपके पास जो है डिफरेंट ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, आपका रिमूवर हो गया, वो सब कुछ प्लास्टिक से बना हुआ होता है. इवन जो वायरिंग के ऊपर जो कवरिंग होती है वो भी प्लास्टिक थ्रू यूज करते हैं. सिंथेटिक फाइबर हमारे पास है, लाइक सिल्क बहुत महंगा है तो उसकी रिप्लेसमेंट में रायन तैयार कर लिया हम लोगों ने. पॉलीमर्स यानी कि हम लोगों ने डिफरेंट कंपाउंड्स, बड़े बड़े कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला के साथ तैयार कर लिया. सेरेमिक्स यानी कि मिट्टी के मटके से जो मिट्टी के बर्तन जो होते हैं वो सेरेमिक्स में आते हैं. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यानी कि पेट्रोल से जो हम लोग डिफरेंट प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, लाइक कॉस्मेटिक्स वगैरह हो जाता है उसके अंदर आ जाता है. उसके अलावा लोशंस वगैरह पेट्रोलियम में आ जाता है, तो यही पेट्रोल से जो भी चीज़ें बनाते हैं दैट इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. सोप जो है आ जाता है आपके पास. डिटर्जेंट्स में लाइक सर्फ आ जाता है, हार्पिक आ जाता है और फिनाइल आ जाता है. सब के सब हम लोगों ने केमिस्ट्री को ही इस्तेमाल करते हुए तैयार किया है. आफ्टर दैट वी हैव द डिजीजेस ट्रांसमिटेड टू इम्प्योर ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि जो गंदा पानी जो हम पीते हैं, द डिजीजेस ट्रांसमिटेड थ्रू ड्रिंकिंग इम्प्योर वाटर एज कोलेरा, टाइफॉइड, डायसेंट्री, स्किन एंड आई इन्फेक्शन कैन बी कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन. तो यानी कि जो पानी को हम लोग साफ करते हैं क्लोरीन के थ्रू, ताकि हमें कोलेरा, टाइफॉइड, डायसेंट्री, स्किन और आई इन्फेक्शन ना हो, वो सब कुछ हम लोग वो भी केमिस्ट्री के वजह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं. इवन जो आजकल जो हम लोग साफ कर डिसइंफेक्टेंट्स यूज कर रहे हैं, क्लोरॉक्स एंड ब्लीच, उसके अंदर भी क्लोरीन होता है. ठीक है, तो यानी पैथोजेनिक जो हमें नुकसान देते हैं ऑर्गेनिज्म, उन सबको किल करने के लिए द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट इज क्लोरीन. ठीक है, नेक्स्ट. The chlorine is most important chemical which is used commercially to produce more than 1000 compounds. Yani the chlorine bahut zyada important chemical element hai jisse hum logon ne bahut sare compounds taiyar kiye hain, like bleaching agent, yani ke aksar jo hum log bleach use karte hain, chahe wo face ke liye ho ya kapdon ke liye ho, usme hum log chlorine use karte hain. Disinfectants yani safai karne ke liye, like jab se covid start hua hai to chlorine ki jo hai प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, क्योंकि डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यानी कि जर्म्स वगैरह किल करने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है. सॉल्वेंट्स यानी कि ये सॉल्यूशन तैयार करने के लिए इस्तेमाल होता है. पेस्टिसाइड्स जो जानवर या जो प्लांट जो है क्रॉप्स को ख़राब करते हैं, लाइक सपोज अगर आप कपास का क्रॉप आप जो है उगा रहे हैं, और तो वो क्रॉप्स जो हैं वो जो एक्स्ट्रा क्रॉप्स या एक्स्ट्रा प्लांट्स या एनिमल्स जो ग्रो होते हैं क्रॉप्स के इर्द गिर्द, उनको किल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. रेफ्रिजरेटर्स के अंदर यूज होते हैं. पीवीसी यानी कि प्लास्टिक्स बनाने के लिए पॉलीविनाइल क्लोराइड ये यूज होता है, लाइक पाइपलाइंस के लिए जो प्लास्टिक बनता है पाइपलाइंस बनाने के लिए उसके अंदर क्लोरीन इस्तेमाल होता है. ड्रग्स यानी डिफरेंट बहुत सारे जो मेडिसिन होते हैं उसके अंदर भी केमिकल्स जो क्लोरीन होता है यूज होता है. क्यों यूज होता है? अगेन बिकॉज इट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, यानी कि वो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव तरीका है दैट इज यूजिंग क्लोरीन. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इज योर होमवर्क. होमवर्क के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फिल अप योर इंडेक्स इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, और डेट देनी है आपको August 17, 2021. उसके बाद हेडिंग्स जो भी हैं आप देंगे वो. उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट ऑल द 7 क्वेश्चंस. यानी सबसे पहले आप क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6, 7 सारे सारे लगातार आप अपनी कॉपी में केमिस्ट्री की कॉपी में लिखेंगे. एक दफ़ा जब आप 7 क्वेश्चंस लिख लेंगे उसके बाद आप उसके नीचे ब्लू मार्कर के साथ हेडिंग देंगे आंसर्स की. उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बाकी 7 आप आंसर्स के नीचे लिखना शुरू करेंगे. ओके, सो ये 7 क्वेश्चंस हैं बेसिकली अभी जो मैंने आपको लेक्चर दिया उसी में से है. नंबर 1, हु इज़ द फादर ऑफ एंशियंट केमिस्ट्री या अल्केमी. एंशियंट केमिस्ट्री और अल्केमी का फादर कौन था? Who is the father of modern chemistry? Modern chemistry का father कौन है? Define alchemy. Alchemy की definition लिखिए. Define science. Science की definition लिखिए.
राइट द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, जितने भी साइंटिस्ट हैं उनमें से जो भी मुस्लिम्स हैं उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस यानी उन्होंने क्या क्या डिस्कवरीज की वो लिखेंगे आप. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लव्स का क्या मतलब है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अवोगाड्रोस नंबर, अवोगाड्रोस नंबर की क्या वैल्यू है. अब ये 7 क्वेश्चन से इसी लेक्चर में से कुछ जो आपको होंगे वो आपके उसमें स्क्रीन में लिखे हुए नजर आएंगे, कुछ मैंने वर्बली आपको बताया है. तो जब आप 7 क्वेश्चंस लिख लेंगे अपनी कॉपी में तो आप एक दफ़ा यानी आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको दोबारा जो वीडियो आप वॉच करेंगे तो उसमें से आपको कौन से सवाल के जवाब ढूंढने हैं. ओके, अल्लाह हाफिज़.